गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल डू द एक्सरसाइज 11.3. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स. बेटा इसमें क्या करना है, आपको ईयर्स दिए गए हैं, आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है. और अगर जब आपको ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं. तो वन ईयर में बेटा हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, वन ईयर इक्वल्स टू 12 months, राइट. कौन से मंथ्स होते हैं बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन बेटा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 5 years. तो बेटा हमें पता है वन ईयर में 12 months होते हैं, तो हमने 5 year को 12 months के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 5 multiply by 12, सो 12 5 60 months, यानी 5 years में हमारे पास 60 months हो गए हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, 6 years. 1 year इज इक्वल टू 12 months. सो 6 years मीन्स को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 multiply by 12, 12 6 72, राइट. तो 72 months. 9 years, 1 year इज इक्वल टू 12 months. 9 years को कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 year में हमारे पास 12 months होते हैं. अगर हमें 9 years के निकालने हैं तो हमें उसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड 12 9 100 8, इट मीन्स 108 months इन 9 years. इन द सेम वे वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, कन्वर्ट ईयर्स इनटू डेज. अब बेटा यहाँ पर आपको ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है. तो हमने पहले डिस्कस किया था बेटा, इन अ ईयर हाउ मेनी डेज, 365. वैसे तो 366 भी होते हैं, वो लीप ईयर में होते हैं बेटा 366. यहाँ पर हम 365 डेज ही लेंगे. नॉर्मली जो हमारे पास डेज होते हैं वो 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो, राइट. सो यहाँ पर टू ईयर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 1 year इज इक्वल टू 365 days. तो 2 years मीन्स 2 multiply by 365. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन हेयर. 2 years, तो 1 year इज इक्वल टू 365 बेटा. सो 2 multiply by 365, वी विल गेट 730 days इन टू ईयर्स. हमारे 2 years में कितने दिन हो गए बेटा, 730. जितने डेज आपके एक ईयर में होते हैं उतने डेज को आप, जितने आपसे पूछे गए हैं बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेम इन द सेकेंड, 3 years में उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी डेज. सो हम 3 को क्या करेंगे बेटा, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 365 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 year में 365 days होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो 5 years. तो 5 years को भी आप 365 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1825 days. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सी बेटा, कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज. यहाँ पर आपको मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है. तो 1 month में कितने डेज होते हैं बेटा, 30 days और 31 days. लेकिन यहाँ पर हम कंसिडर सिर्फ 30 days को ही करेंगे, 31 days को नहीं करेंगे. सो 2 months में कितने डेज हो गए बेटा, 2 multiply by 30. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. 2 months, 1 month इक्वल्स टू 30 days. 2 months इक्वल्स टू 2 multiply by 30, यानी 230 60 days. नाउ लुक एट हेयर, 6 months, 1 month 30 days. 6 months में कितने दिन हो गए बेटा, उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों, क्योंकि 1 month में हमारे पास 30 days होते हैं. तो 630 180 days. इज इट क्लियर. इसी तरीके से बेटा हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे. डी पार्ट आता है बेटा आपके पास, कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज. अब देखो बेटा, कभी आप ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ईयर को डेज में कर रहे हो, यहाँ पर मंथ को डेज में कर रहे हो, यहाँ भी आप वीक्स को डेज में ही कन्वर्ट करोगे. सो
आप सबको पता है इन अ वीक हाउ मेनी डेज, 7 डेज। एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा, 7 होते हैं। तो यहाँ पर बेटा जितने भी हमें वीक्स दिए गए हैं ना, इनको आप इन्हें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन्हें 7 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो आपको इनमें डेज का पता लग पाएगा कि 3 वीक्स में कितने डेज होते हैं। 3 7 20। ओके, सो लुक एट हेयर क्वेश्चन नंबर डी। ऐसे 3 वीक्स, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, सो 7 × 3 = 21 डेज। यानी 3 वीक्स में कितने डेज होते हैं बेटा, 21, राइट। सेम इन द नेक्स्ट वन, 5 वीक्स, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, 5 × 7 = 35, 5 7 = 35, सो 35 डेज इन अ 5 वीक्स। नाउ द नेक्स्ट वन, 3 8 वीक्स, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, सो 8 7 = 56 डेज। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।